प्रभु प्रिया मैं नर लीला करने जा रहा हूं। जानकी तुम मेरा सहयोग करो। सुना हो प्रिया प्रेम रुचिर सुशीला मैं कछु करबो ललित नर लीला मैं नर लीला करने जा रहा हूं। तुम पावक करहो निवास तुम पावक करहो निवास जब लग कर निशाचर नासा निशाचर नासा अग्नि निवास करो तब तक मैं निशाचरों का नाश करने बचा आओ कुमार लक्ष्मण हे ही बनी निक हे ही बनी निकट दशान गयउ तब मारी कपटी मृगी भयउ सीता परम रुचिर मृगी देखा प्रभु स्वामी जीवन में प्रथम बार जानकी ने ऐसा मृग देखा ना तो कभी मैंने सुना कि सोने का मृग होता है लेकिन नाथ आज देखने के लिए मिला बड़ा ही सुंदर शोभायमान स्वामी हमारी भी इच्छा है कुछ कहो सीता बोलो नाथ ये पाव तलक सारा सोना ही सोना हे नाथ हे नाथ चाली लावो इसकी तो इस कुटिया क्या बन की याद का स्वामी जीवन में प्रथम बार ऐसा व्रत देखने के लिए मिला है लालसा हृदय में जागी आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत की हे नाथ सोना हो देवी रघो वीरे कृपा सुना हो देवी रघु वीर कृपा
अहंकार हूँ। मार्किस की चर्म ले आए क्योंकि मृग हमेशा झुंडों में रहा करता है, अकेला मृग कहीं विचरण नहीं करता, लेकिन आज देखने के लिए मिला नाथ। अरे पन बिचुबा में आया हिरनबा हो, अरे पन बिचुबा में आया हिरनबा, ये मन को भाया जी हिरण अब, हिरण अब, हिरण अब जानकी मुझसे ये कहने वाली है, आरवीर ये बड़ा सुंदर है, इसे पकड़ लो, हम इसे पालेंगे, दया की मूर्ति है मेरी सीता। लेकिन जानकी तुम इसकी चर्म चाहती हो, सोने पर सोना चाहती हो, सोने से तुम्हारे जन्म से ही संबंध सोने से है। सोने का हल पिता जनक ने चलाया, सोने के कलसे में तब तुमको पाया, भाई खिलौने भी सोने के मिले, बहू बन के अयोध्या में आई, कनक भवन मिला। और फिर नारियों को सोना बड़ा प्रिय होता है, जब सोने पर ही सोना था तो घर में रहती, अभाव का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ आई हो, पहली बार मेरी जानकी ने कुछ मांगा। वैसे तुम्हारा ये धर्म कर्म नहीं, आना हो चल कहां पे दे ही, तुम कह रही हो सीता पत्नी का कर्तव्य केवल इतना होता है कि अमुक वस्तु नहीं है और पति लाके देता है, लेकिन आज तो मेरी जान की कह रही आधे से आना हो चर्म कहात बैदे, जब लक्ष्मण मेरी जान की मुझसे कहने ही लगी है तो मुझे लानी पड़ेगी। सीता मैं चर्म लाऊंगा अवश्य। स्वामी कहीं ऐसा ना हो आप कहते रहिए ये दूर निकल जाएंगे, इसलिए मेरे बाण से कोई बचने वाला नहीं, इतना तो अपने स्वामी पर विश्वास रखना ही होगा। स्वामी सीता लक्ष्मण हिरण देख के सीता का मन हिरण हो गया, जो मन मेरे चरणों में रहता था मेरी सीता का, मेरी पत्नी का,
हिरण देख के मन हिरण हो गया। ये लगे सिया को प्यारो, हाँ ये लगे सिया को प्यारो, लगे सिया को प्यारो, लगे सिया को प्यारो, लगे जल्दी का काम खराब होता है। मैं जा रहा हूं लक्ष्मण, तुम कुटी में जाओ, तुम मेरे पास आओ, हमारी शत्रुता लंका वालों से चल रही है, निशाचर है। रघु लक्ष्मण कहा समझाई, फिर निशाचर बहु भाई, बहु भाई बहुत निशाचर। एक और विशेषता है निशाचरों की, जितने दिन में बलवान है, रात्रि जब होती है, रजनी जब आ जाती है, तो ये और बलवान हो जाते हैं, माया भी है इसलिए। रहना पंची बटी
माता के पास रहो, मैं मृग आखेट के ले जा। तब तक राम कठिन सर मारा, तब तक राम कठिन सर मारा, धन पर उतर गोर पुकारा। लक्ष्मण प्रथम ले नामा, पाछे सुम रहे मन में राम। आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। कुमार लक्ष्मण मैया, ये आवाज अभी आवाज आई, हा लक्ष्मण मेरी सहायता करो। कुमार क्या हुआ? ये आवाज तुम्हारे भैया की है, तुम्हारे भैया इस समय दुख में है। लक्ष्मण हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने हमारे साथ घात की हो। कुमार लक्ष्मण, हे लखनो शीघ्र जा कर देखो। क्या माँ? कहीं ऐसा ना हो किसी निशाचर ने हमारे साथ छल किया हो। कुमार लक्ष्मण, हे लखनो शीघ्र जा कर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। हे लखनो शीघ्र ही उनकी करो सहाय। देखो बेयारत
अभी तुम्हें रहे बुलाए, जाओ कुमार लक्ष्मण जाओ। मैया आज ये लक्ष्मण बड़े अचंभे में पड़ गया। सर्वप्रथम माँ आप इस तरह से अचानक कुटिया से बाहर क्यों आ गई? आपके द्वारा कहा जा रहा कि भैया मुझे बुला रहे हैं। हे मैया यदि कोई आवाज आनी भी चाहिए थी तो सर्वप्रथम मुझे सुनाई देनी चाहिए थी, किंतु आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भैया बुला रहे हैं। यद्यपि मैं घर के बाहर हूँ, कुटिया के बाहर पर ही बैठा था और आप आश्रम के अंदर थी, फिर आपने आवाज कैसे सुनी? द्वितीय विचार करता हूँ, यदि संसार का कोई भी मुझसे आकर के कह देता कि लक्ष्मण तुम्हारे भाई पर संकट आया है, चलो मैं विश्वास कर लेता, किंतु माँ स्वयं आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भैया पर संकट आ गया। हे माँ आप मुझसे भी अच्छी तरीके से, भैया से अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी हैं, अर्थात आधा अंग हैं। आप भी जानती हैं भक्ति विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परे की सोई। जिनके क्रोध में आ जाने से मात्र अपनी भक्ति भर चढ़ा देने से इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है। मैया विचार करो, ऐसे महाप्रभु पर कभी सपने भी संकट आ सकता है। हे माँ आप छत्राणी हैं और छत्राणी नारी को इस शोभा नहीं देता कि वो अधीर हो जाए, व्याकुल हो जाए। हे माँ विचार करो, किसका साहस है हे माता जो उन्हें हानि पहुंचाएगा, और ये सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वहाँ कब अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, यदि कुछ क्षण के लिए मैं मान मिलूं, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, मैं रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। फिर ए बन विशाल है व्यक्रभाल, भय चारों ओर घनेरा है, इस तरह अकेली छोड़ू माँ कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे माँ कभी कभी हमें राय चलते हुए ए भ्रम हो जाया करता है कि हमें पीछे से किसी ने पुकारा, और जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, ए मात्र हमारा भ्रम होता है। ठीक उसी भांति मैया आपको भी कोई भ्रम हुआ होगा। माँ धैर्य धारण करें, आपको भी कोई भ्रम ही हुआ होगा। माँ धैर्य धारण करें। माँ कुमार लक्ष्मण, मैया मैंने तुमसे कहा तुम्हारे भैया की आवाज आई, तुम कहने लगी आवाज हमें सुनाई क्यों नहीं दी? जी माँ जो आवाज हमारे कानों ने सुनी वो आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं आई। नहीं माँ। तो लक्ष्मण ये बताओ क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ मैंने ऐसा नहीं था। माँ मैं तुम्हारे गुण मनोरथ को भली भांति समझ गई हूँ। क्या माँ? हाँ सुनना चाहोगे? अवश्य माँ। कारण है उसका। क्या माँ? तुमने कहा माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं। हाँ तुम मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। नहीं माँ। दूसरी बात तुमने कहा सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो कब वहां देर आएगा। अरे याद करो लक्ष्मण, सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है समय पर, और तुम कहती हो माँ तुम्हें अकेला छोड़ू। मैं जानती हूँ तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती, सुनना चाहोगे? कहिए माँ। अच्छा अब मैंने जान लिया। क्या माँ? हाँ लक्ष्मण। क्या जान लिया? अच्छा अब मैंने जान लिया। क्या माँ? अरे ये स्वार्थ का भाई चारा है, तुम साथ जो पन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है, कुछ मतलब और तुम्हारा। अरे इन दुनिया खुद गर्जो में को बेला जीवन अपना कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन ना कोई। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, ओझल हो जाओ लक्ष्मण, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये सब सुनने से पहले इस लक्ष्मण को मर जाना चाहिए था। वाह आज आपके द्वारा कहा जा रहा है वाह कि लक्ष्मण प्रपंचियों में रहकर प्रपति हो गया। वाह मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माँ लक्ष्मण मर सकता है माँ, किंतु एक कदापि नहीं सुन सकता माँ।
क्या लक्ष्मण इसी दिन के लिए बल प्रखंड में आया था भा? नहीं माँ नहीं, सत्य है माँ, किसी ने सत्य कहा है। बड़ी बनती औषधि, बड़ी बाढ़ कराल, बड़ी से ही देखो मैया झगड़े होए हजार। इसलिए माँ ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे भैया आप शीतल होए। ए माँ मैंने आपके इन चरण कमलों की वंदना माँ सुमित्रा के नाम पर करता हूँ। श्रद्धा है मेरी मन में माँ जगदम्बा मान कर पूजता हूँ इन चरणों को माँ सुमित्रा के नाम पर। माँ आप चत्राणी से है, आप चाहे तो इस धनुष से मेरा संहार कर दो, किंतु ऐसे बाकी बाढ़ बतवारो चाहे मेरा सर संगारो। बाकी बाढ़ बतवारो लक्ष्मण की जीवन पुस्तिका में आज तक स्वार्थ रूपी शब्द कितना ताबा, किंतु आपके द्वारा आज लक्ष्मण की जीवन पुस्तिका में स्वार्थ शब्द अंकित किया जा रहा है। वाह लक्ष्मण कदा मेरी सुन सकता वाह, ऐसे वचन ना बोले वाह कि लक्ष्मण ऐसे ना कर सके वाह। क्षमा करे वाह क्षमा, मैं बंधन में हूँ वाह क्षमा करे, मेरी व्यवस्था को समझे मेरी दृष्टि से देखे माँ क्षमा करे वाह क्षमा करे। लक्ष्मण भैया मेरी बातों का बुरा लग गया, रोने लगे लक्ष्मण, इन बातों में मुझे ना भरमाओ। अरे हट जा यहाँ से भैया, लो ये चूड़ियां पहन लो, मैं स्वामी की रक्षा के लिए जाऊंगी, लेकिन मुझे इन बातों में मत बहलाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, ओझल हो जाओ। नहीं माँ, आज लक्ष्मण को परीक्षा देनी होगी माँ के, आप मेरी माता है। अरे विधाता ये दिन किसी पुत्र के जीवन में ना लाए कि उसे परीक्षा देनी पड़े कि आप हमारे पिता हो या आप हमारे माता हो। आज विधाता ने किस तरह से कंठ को लक्ष्मण को ला करके खड़ा कर दिया विधाता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और पिता की आज्ञा है कि सीता के करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय उतारी, द्वितीय आप आदेश कर रही है। हे माँ आप ही बताए हे पुत्र क्या करे, पिता की आज्ञा की अवहेलना करे या आपकी आज्ञा की अवहेलना करे। हे माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, क्या करूं हे विधाता। कैसा दिन आया हुआ माता का मन उल्टा, क्या करूं माँ इसमें आपका भी दोष नहीं है, सब समय होता है। अरे ग्रह आसमान से बिजली जो चलन उल्टा, जमी उल्टी गगन उल्टे सकल आकार उल्टे हैं, और समय की जब मार पड़ती है माँ तो हर व्यवहार उल्टे हैं। जब समय अपना तमाचा जड़ता है तो सारे रिश्ते नातेदारे पलट जाते हैं, कोई नहीं कहता मैं तुम्हारा पिता हूँ, कोई नहीं कहता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, सब यही कहते तुम हो कौन और मेरा तुमसे वास्ता क्या है। ठीक उसी भांति माँ आज आप मुझ पर ये आरोपण कर रही है कि मैं मेरा कुछ स्वार्थ है माँ। हे माँ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है माँ, आप यदि चाहती है कि लक्ष्मण परीक्षा दे तो लक्ष्मण पीछे नहीं हटेगा माँ, किंतु विचार करता हूँ भैया की आज्ञा का मैं क्या करूँ। आज्ञा विश्वास रूपी धरातल पर आज्ञा रूपी महल बना करके गए थे, यदि मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना करूंगा तो ये अनुचित होगा माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा विधाता। हे माँ आप ही बताएं मैं आपकी बात मानूं या पिता की बात मानूं। कुमार लक्ष्मण भैया तुम मुझे माता समझते हो? मानता हूँ पूजता हूँ। याद आया तुम्हारी माता ने इन्हीं हाथों में तुम्हारा हाथ दिया था, कहा था जानकी ये लक्ष्मण आज से तुम्हारा ही पुत्र है, तुम मुझे माता मानते हो? अवश्य माँ। तुम माता मुझे समझते हो तुम्हा, यदि हृदय से माँ मानते हो कुमार हाँ माँ तो मेरी बात को मानो। क्या बात
तुम माता मुझे समझते हो तुम तो आज्ञा मानो माता की मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ सुधी लो भ्राता लक्ष्मण मेरी चिंता ना करो क्यों माँ रखु चक है दया निधान मेरे तुम जाओ वही चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राणो यदि माता मानती हूँ लक्ष्मण तो मेरे स्वामी की सुख लेने के लिए चले जाओ कुमार चले जाओ भैया आज इस लक्ष्मण को परीक्षा देनी होगी माँ मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ यदि मैं आज आपकी आज्ञा सुर धारण करके भैया की सुध लेने जा रहा हूँ माँ तो आप जीवन में कभी भी दोबारा ऐसा मत कीजिएगा कि लक्ष्मण को धर्म संकट में ला करके खड़ा कर दो माँ बस एक बार मुझे बेटा कह दो माँ एक बार बेटा मुझे कह दे मेरी माँ बस एक बार माँ मेरे ही बेटे हो ए माँ विचार करता हूँ मैं क्या करूँ स्मरण आया छित जल पावक गगन समीरा अग्नि अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश इस समूची ब्रह्मा की सृष्टि रचना में 5 तत्व बलशाली हैं जो हर कण जग में व्यापक हैं इनसे जगह न कोई खाली है अब मुझे करना क्या होगा अग्नि का आवाहन कर रेखा को एक बनाता हूँ माता की रक्षा के हेतु अग्नि को ढाल बनाता हूँ हे पृथ्वी हो जा साधन पृथ्वी हो जा साधन तुझको मैं चीरे देता हूँ तेरी छाती पर अब मैं श्री राम लकीर देता हूँ साधन 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 इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंचपटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा किंतु माँ इस रेखा भी एक अपनी आन होती है यदि माँ आप इस रेखा का उल्लंघन कर इस रेखा से बाहर जाएंगी तो इस रेखा की आन समाप्त हो जाएगी और ये रेखा निष्क्रिय हो जाएगी हे माँ जब तक हम दोनों बंधुओं में से कोई लौटकर आपके समक्ष ना आ जाए तब तक आप इस रेखा का उल्लंघन कर कुटिया से बाहर मत जाइएगा आप ये हमको विश्वासपूर्ण उत्तर दे दीजिएगा माँ तो मैं अवश्य भैया प्रभु श्री राम की सुध लेने हेतु वन प्रखंड की ओर चला जाऊंगा माँ उत्तर दीजिए माँ ठीक है लक्ष्मण तुम जाओ हे पवन देव हे पवन देव तुम साक्षी हो हे पक्षी गणों गवाए तुम्हें मेरी इस धर्म नाव के इस सूर्य देव मल्लाए तुम्हें रघुराही यदि उलाना दे तो इतना है संतोष मिले अरे तुम सब मिलकर कह देना निर्दोष मुझे अब मैं शीघ्र ही जाऊंगा मैया आपको स्मरण रहे इस रेखा की भी अपनी आन होती है भैया 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 हेलो बंधुओं अभी आप